بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا أن نتبع مسالك أئمة الهدى وصلى الله تعالى على شمس الهداية والتقى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم हम तहे दिल से आप सब का इस्तकबाल करते हैं। अव्वलन तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए है जिसने हमारे हक में इस इफ़ादे और इस्तिफ़ादे के सिलसिले को मुकद्दर फरमाया। हम दस्त बदुआ हैं कि खुदावंद कुद्दूस इस मुबारक सिलसिले को नाफ़े और मुफीद बनाकर मकबूल फरमाएं। और हम सब के हक में खैर व आफ़ियत मुकद्दर फरमाएं। अज़ीज़ तलबे किराम, क़ुरान करीम व अज़ीमुश्शान और जलीलुल क़द्र किताब है जो सरचश्मे रुश्द व हिदायत है। मंबए खैर व बरकत, ज़रिए नजात व रहमत, और सबब सलाह और फलाह है। क़ुरान करीम का हर कानून और हर हुक्म इल्म हिकमत के कांटे में तुला हुआ है। उसके अहकामात ऐसे मज़बूत व मुस्तहकम हैं कि ज़माना कितनी ही पलटियाँ खाए उनके बदलने या गलत होने का कोई इम्कान नहीं। क़ुरान करीम ने आलम के मिजाज की पूरी तशखीस करके और क़यामत तक पेश आने वाले तगैयुरात व हवादिस को मिन कुल्लिल वुजूह जांच तोल कर ऐसी मुतदिल और अबदी ग़िज़ाए रूह माइदे क़ुरानी के ज़रिए पेश किया है जो तनावुल करने वालों के लिए हर वक्त और हर हालत में मुनासिब व मुलायम है। तमाम इंसानी ज़रूरियात को काफ़ी तफसील से बयान किया है, इसीलिए इस्लाम एक कामिल और मुकम्मल ज़ाब्ते हयात और दीन व शरीयत एक जामे दस्तूरे ज़िंदगी है। अल्लाह ताला ने क़ुरान करीम के तईं ये मुज़दे जाफ़ज़ा हमें सुनाया है, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। और ये फरहत अंगेज़ खबर भी सुनाई, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और ये नवीद दिलकुशा भी हमें बताई गई, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ। चुनांचे क़ुरान करीम एक कानूनी किताब है जिसकी तशरीह व तफसील हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द की गई। आपकी हयात तय्यबा में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन आप ही से रुजू करते रहें। हर किस्म के सवालात व जवाबात
इस्तिफ़सा व इस्तिफ़सार का मरकज़ आप ही की ज़ाते गिरामी रही। जब भी कोई दुश्वारी पेश आती, अकाइद व अहकाम, इबादत व मुआमलात, मुआशरत व तमद्दुन और सकाफत व अखलाक जिस बाब में पेचीदगी पैदा होती, तो परवानावार सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन खिदमत में हाजिर होते और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अबदी सदाकत की जामे तशरीफ़ फरमा देते और मुकम्मल ज़ाबिते अखलाक का दर्स दे दिया करते। इसलिए अलाहिदा फ़नून के इंतखाब की तरफ भी कतअन तवज्जो नहीं हुई। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद दुनिया में इस्लाम की रोशनी फैलती चली गई। हर जगह कौमों ने इस्लाम और उसकी अबदी सदाकत के उसूलों को तस्लीम किया। तब कौमों के इख्तलात और मुआशरती ज़रूरतों ने नित नए मसाइल को जन्म दिया। हालात ने करवट ली और ज़माने के तकाजे सामने आए और इस्लाम के वसी दायरे ने उसे तेज से तेज तर कर दिया। उस वक्त नब्ज शनास और अपने दौर की अबकरी शख्सियतों ने कुरान और सुन्नत के तहत उलूम व फ़नून का एक गुलदस्ता तैयार किया और हर फन पर हदीस व कुरान की सियानत व हिफाजत और हाल व मुस्तकबिल के पेश नज़र तफसीर, उसूल तफसीर, हदीस, उसूल हदीस, फ़िक़ह, उसूल फ़िक़ह, बलागत, मानी, तजवीद व क़िरात वग़ैरह उलूम उलूम मुदव्विन किए, जिनमें क़ुरान व सुन्नत उनकी रहनुमा रही और खलूस व सदाकत उनका शियार। इन्हीं उलूम व फ़नून में एक अज़ीम फ़न जिसके ज़रिए क़ुरान व हदीस से इस्तिंबात व इस्तिख़राज मसाइल का इल्म होता है, जिसके बग़ैर मुज्तहिदाना शान तो कुजा बसीरत भी हासिल नहीं हो सकती, उसूल फ़िक्ह को मुदव्विन किया। मुअर्रिखीन व अस्हाब सीर हज़रात फरमाते हैं कि कुरान व हदीस और तआमुल सहाबा को सामने रख कर उनसे इस्तिंबात का तरीक़ा, इज्तिहाद के उसूल, मसाइल को अख्ज़ करने का अंदाज़ और अहकामात के इस्तिखराज के मसाइल सबसे पहले एक अजीम व बालिग नज़र शख्सियत हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि ने मुनज़बित किए। फिर आपके लायक होनहार शागिर्दों में से इमाम अबू यूसुफ़ रहिमहुल्लाह, इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह ने एक शाहराह कायम की जिस पर चलकर इल्म व अमल और ज़हन व फ़िक्र की कद आवर शख्सियत हज़रत इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह ने इस पर बाकायदा एक रिसाला लिखा, जो दरअसल किताबुल उम का मुकदमा है। वो आज भी मुतकद्दिमीन के अंदाज़ तहक़ीक़ व इज्तिहाद का एक शाहकार है। फिर इस पर नामालूम कितने हज़रात ने बादिया पैमाई की और कितनी शख्सियतों ने इस समुंद्र में गवासी करके लाल व जवाहिर निकाले और दुनिया की सही रहनुमाई की है। अज़ीज़ तलबाए किराम, गोया के इल्म उसूल फ़िक्ह, इस्तिंबात व इस्तिख़राज मसाइल के तरीक़ों को जानने का नाम है। क़ुरान करीम की वो आयात जो अहकामात से मुतालिक है, वो तकरीबन 500 आयात है और ज़ख़ीरे अहादीस में वो अहादीस जो अहकाम शरईया से मुतालिक है वो 3000 है।
इस तरह कुल आयात और रिवायात का मजमुआ 3500 होता है जो अहकाम शरईया से मुतालिक है। इसके बिलमुकाबिल इंसान बेशुमार इंसानी अहवालो अफ़आल बेशुमार और उन अहवालो अफ़आलो अमाल से मुतालिक अहकामात बेशुमार अब बेशुमार इंसानों के अनगिनत अहवालो अमाल के अहकाम महदूद व मुख्तसर और कलील नुसूस के ज़रिए से किस तरह मालूम किया जा सके। इस सवाल के जवाब में जो तरीक़ा जो अंदाज जो उसूल व ज़वाबित बयान किए जाएंगे उसी का नाम उसूल फ़िक्ह है। वो इस तरह के कलील मुख्तसर नुसूस क़ुरान व हदीस महदूद आयात व रिवायात के ज़रिए बेशुमार इंसानों के बेशुमार मसाइल के हल के लिए जो अंदाज जो तरीक़ा या जिन कवाइद व ज़वाबित को मुतय्यन किया गया है उसी तरीक़े की मारिफत का नाम उन्हीं उसूल व ज़वाबित के जानने का नाम इल्मे उसूल फ़िक्ह है। अज़ीज़ तलबा इकराम अरबाब दर्स व तदरीस का यह मामूल रहा है कि वो किताब शुरू करने से कबल चंद उमूर बयान करते हैं, उनको मुबादियात से ताबीर किया जाता है। उनका मंशा ये है कि फ़न से मुनासबत पैदा हो जाए, लिहाजा इससे मुनासबत पैदा करने के लिए चंद उमूर पेश खिदमत है। मुबादियात की दो किस्में हैं, मुबादियात मुअक्कदा मुबादियात मुस्तहसना। मुबादियात मुअक्कदा वो उमूर जिनका जानना अज़हद ज़रूरी है, मुबादियात मुस्तहसना वो उमूर जिनका जानना ज़रूरी नहीं है लेकिन इससे मज़ीद फ़ायदा ज़रूर हासिल होता है। मुबादियात मुअक्कदा के ज़ैल में मुकद्दमतुल इल्म और मुकद्दमतुल किताब से बहस की जाती है। मुकद्दमतुल इल्म उन उमूर को कहते हैं जिन पर किताब का शुरू करना अला वजहिल बसीरत मौकूफ़ हो, या वो उमूर जिनका जानना किसी फ़न के शुरू करने से पहले ज़रूरी हो। मुकद्दमतुल किताब طائفه من الكتاب قدمت امام المقصود للارتباط بها كلام کا وہ حصہ جس کو مقصود سے پہلے بیان کیا جائے تاکہ مقصود سے ربط پیدا ہو۔ مقدمه الفن اور مقدمه الكتاب کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ مقدمه الفن خاص مطلق और मुकद्दमतुल किताब आम मुतलक है। फन उसूल फ़िक्ह से पहले
باعتبار مقدمت العلم کے پانچ چیزوں کا جاننا ضروری ہے، یا یوں کہیے مقدمت العلم میں پانچ چیزیں بیان کی جاتی ہے۔ نمبر ایک، اصول فقہ کی تعریف۔ نمبر دو، اصول فقہ کی غرض و غایت۔ نمبر تین، اصول فقہ کا موضوع۔ نمبر چار، تدوین اصول فقہ۔ نمبر پانچ، ماتن اور شارح کے حالات زندگی۔ نمبر ایک، تعریف اصول فقہ۔ اصول فقہ کی تعریف دو ہیں، نمبر ایک حد اضافی، نمبر دو حد لقبی۔ حد اضافی وہ ہے جس میں مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف الگ الگ کی جائے، مثلا اصول اصل کی جمع ہے، اس کے بعد فقہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ نمبر دو حد لقبی، حد لقبی وہ ہے جس میں مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعہ کی ایک ہی تعریف کی جائے۔ اصول فقہ کی حد اضافی، اصول فقہ، اصول مضاف ہے، اصول اصل کی جمع ہے، اصل کہتے ہیں ما یبتنا علیہ غیرہ، جس پر غیر کی بنا ہو، جو کسی دوسری چیز کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہو، جیسے چھت کے لیے دیوار اصل ہے، بنیاد ہے۔ دوسرا جز فقہ جو مضاف الیہ ہے۔ فقہ کا لغوی معنی الشق والفتح، واضح کرنا، کھولنا، یا الفہم، سمجھنا۔ اور اصطلاح میں فقہ کہتے ہیں معرفت النفس ما لہا وما علیہا، انسان کا ان چیزوں کو جاننا جو اس کو فائدہ دیتی ہو اور جو اس کو نقصان دیتی ہو۔ فقہ کی یہ تعریف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کی ہے، اور فقہ کی جو تعریف مروج، معروف و مشہور ہے، وہ یہ ہے، هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ من ادلتها التفصیلیہ، احکام شرعیہ فرعیہ کے علم کو تفصیلی دلائل سے جاننے کا نام فقہ ہے۔ یہ ہوئی اصول فقہ کی حد اضافی، مضاف اور مضاف الیہ کی الگ الگ تعریف۔ اب اصول فقہ کی حد لقبی، دونوں کے مجموعے کی ایک ساتھ تعریف۔ اصول فقہ هو علم بقواعد يتوصل بها المجتهد الى استنباط الاحکام من ادلتها التفصیلیہ۔ اصول فقہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن قواعد کے ذریعے مجتہد ادلہ تفصیلیہ سے احکام کے استنباط کے طریقوں کو جانتا ہے، یا احکام کے استنباط کے طریقوں تک اس کو رسائی حاصل ہوتی ہے۔ اصول فقہ کا موضوع الادلۃ والاحکام، اصول فقہ کا موضوع ادلہ اور احکام دونوں کا مجموعہ ہے۔ اصول فقہ کی غرض غایت تحصیل القدرۃ علی استنباط الاحکام من ادلتها التفصیلیہ، ادلہ تفصیلیہ سے احکام نکالنے کی قدرت اور ملکہ کا حاصل ہو جانا۔ اصول فقہ کی تدوین، اصول فقہ کے مدون اول صحیح اور راجح قول کے مطابق
امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔